एलएलबी में पढ़ाए जाने वाली कंपनी ला के पेपर में जो जो पढ़ाया जाता है, सिलेबस जो सिलेबस है उसकी, और शॉर्ट में जो जो जानकारी इसकी हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये जो है ये पूरा पूरे पेपर के लिए पूरी तैयारी नहीं है, ये सिर्फ एक समरी है और आपको टेक्स्ट से या बाकी मटेरियल से तैयारी करनी पड़ेगी कंप्लीट पेपर के लिए। अब जब कंपनी ला की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात होती है डेफिनेशन की कि भाई कंपनी है क्या। तो कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 220 में, दो की सब सेक्शन 20 में कंपनी की परिभाषा दी गई। इसमें कहा गया कि कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो इस एक्ट के अंतर्गत, यानी 2013 के एक्ट के अंतर्गत, इससे पहले एक्ट 1956 का था, उसके एक्ट के अंतर्गत कोई भी कंपनी बनाई गई है, उस कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से होगा। कंपनी का मतलब उस कॉर्पोरेटेड कंपनी से, निगमित इसमें वर्ड जरूर यूज किया गया कि कॉर्पोरेटेड कंपनी से होगा। इसके बाद 221 में सेक्शन और 222 में गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी और अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी की परिभाषा दी गई है, वो उसके हिसाब से है। इसमें इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वास्तविक कारोबार किन्हीं सजीव व्यक्तियों द्वारा कुछ सजीव व्यक्तियों के हित या लाभ के लिए किया जाता है। यानी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब नेचुरल व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, कृत्रिम है, और जो कारोबार है वो सजीव व्यक्तियों द्वारा, जो पर्सन व्यक्ति जिंदा हैं उनके उनके द्वारा और सजीव व्यक्तियों के हित में, जिंदा व्यक्तियों के हित में, हित या लाभ के लिए किया जाता है। अब इसके बाद बात होती है कि भाई कंपनी की विशेषताएं क्या होंगी या कंपनी बनाने के लाभ क्या होंगे। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पृथक निगमित अस्तित्व होता है, धारा 9 कहती है ये कंपनी अधिनियम 2013 की, कि डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि कंपनी व्यक्तियों से अलग होती है, कंपनी की अपनी अलग एंटिटी होती है, वो व्यक्ति जो उसका डायरेक्टर है वो कंपनी नहीं होती, कंपनी अलग है, कंपनी का डायरेक्टर अलग है। तो कंपनी में भले ही जो है एक परिवार के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट जो है कंपनी एक परिवार के सदस्य हों, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए जो है, जैसा आप जानते हैं कि वन मैन कंपनी भी अब हो सकती है, एक व्यक्ति कंपनी, तो उसमें एक व्यक्ति होता है, जो जिसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और जो है जो लिमिटेड कंपनी है उनमें कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए। अब दूसरी बात जो है ये है कि कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास, यानी नेशनलिटी, डोमिसाइल और रेजिडेंस ऑफ कंपनी। ये अलग अजीब सी बात लगेगी आपको कि साहब कंपनी की भी राष्ट्रीयता होती है, यानी कंपनी की भी नागरिकता एक तरीके से होती है, या अधिवास डोमिसाइल होता है उसका या निवास होता है। यस, हाँ होता है, कि कंपनी जिस राष्ट्र में रजिस्टर्ड होती है वो उसका निवास माना जाता है, वो ही उसका डोमिसाइल माना जाता है, वो ही अधिवास माना जाता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो कंपनी है वो भारतीय मानी जाएगी, उसका अधिवास भी भारतीय होगा, और राष्ट्रीयता परिवर्तित भी नहीं की जा सकती है। अगर व्यक्ति की तो राष्ट्रीयता परिवर्तित की जा सकती है कि नागरिकता उसने दूसरे देश की ले ली, लेकिन कंपनी की नागरिकता चेंज जो है नहीं की जा सकती। तीसरी जो इसकी विशेषता है, शाश्वत उत्तराधिकार है, तो परपेचुअल जो है सक्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि वो उत्तराधिकार चलता रहता है, मतलब एक व्यक्ति तो अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो समाप्त हो जाता है, लेकिन कंपनी का वो समाप्त नहीं होता, कंपनी का उत्तराधिकार चलता रहता है आगे आने वाले अंशधारियों में। इसका मतलब कंपनी समाप्त नहीं होती। चौथा है सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। सीमित दायित्व से मतलब ये है कि जो उसके अंशधारक हैं, उसके संचालक हैं, जो उनका दायित्व जो है लिमिटेड रहता है, उनका दायित्व पार्टनरशिप की तरह जो है अनलिमिटेड नहीं रहता, यानी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसके नुकसान को वसूला नहीं जा सकता है जब तक कि वो धोखाधड़ी वगैरह नहीं करते। पांचवा इसकी विशेषता है अंशों की अंतरणीयता, यानी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो जो है आप जानते हैं कंपनी के शेयर जो है लिमिटेड कंपनी के शेयर जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के भी शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसकी अलग प्रक्रिया होती है।
निगमित अर्थव्यवस्था यानी कॉरपोरेट इकोनॉमी छठा है। कॉरपोरेट इकोनॉमी के अंश क्योंकि अंतरणीय है यानी ट्रांसफरेबल है, तो अधिक और कम पीएनजी उससे प्राप्त की जा सकती है। कारोबार की विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर कंपनी जो है डिबेंचर ऋण पत्रों का को भी जारी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें निगमित अर्थव्यवस्था है, कॉरपोरेट इकोनॉमी है। सातवां है केंद्रीयकृत प्रबंध, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो इसमें अंशधारियों का प्रत्यक्षता कोई हाथ नहीं रहता और इसका एक सेंट्रल प्रबंधन होता है जो जो डायरेक्टर्स जो है उसमें उसे जो है वो करते हैं, मतलब डायरेक्टर चलाते हैं कंपनियों को। तो इसका मतलब जो उसका मैनेजमेंट है वो एक सेंट्रलाइज होता है। आठवां आयकर की छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। जो कुछ लाभांश हैं जो 194 के अंतर्गत आते हैं उसकी घोषणा करने पर उसमें जो है इनकम टैक्स की छूट मिलती है कुछ मामलों में। नवा है पूंजी का स्थायित्व तथा कंपनी की स्थिरता। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजी जो है स्थायी रहती है इसमें और कंपनी जो है स्थिर रहती है, परमानेंसी रहती है। परमानेंसी रहेगी किसी भी प्राइवेट फर्म में या प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप फर्म में जो है वो परमानेंसी नहीं होती, इसमें परमानेंसी होती है। इसलिए जो है दूसरा व्यक्ति ज़्यादा विकास जो है उस पर विश्वास कर सकता है कि ये कोई परमानेंट है। निवेशकों को हानि से संरक्षण यानी जो इन्वेस्टर हैं उनको हानि से संरक्षण दिया गया है। जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो है जो उसका जो नुकसान है उसकी उसका जो खमियाजा उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा, खाली अपने अपने अंश तक ही उसका वो रहेगा जब तक कि उसमें कोई दूषित मन से या गिल्ट माइंड से काम नहीं किया गया है। साथ में यह कंपनी पर निगमित सामाजिक दायित्व जो है एक है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें एक क्लास 135 शामिल की गई, उसमें जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी की गई कि इसमें यह है कि वित्तीय वर्ष में अगर 500 करोड़ या इससे अधिक की जो है परिसंपत्तियां हो, पूंजी हो, मतलब उसके नेटवर्थ हो, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो, या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए या अधिक हो, तो उसे 2% अपना जो प्रॉफिट का है लाभ का, शुद्ध लाभ का, वो सामाजिक दायित्वों में खर्च करना पड़ेगा यानी समाज सेवा के लिए एक तरीके से खर्च करना पड़ेगा। उसकी जो सूची है उसकी सूची दी गई है जिसमें गरीबी उन्मूलन वगैरह विशेष शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एडवांटेज हो गए या विशेषताएं हो गई, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं यानी नुकसान क्या होते हैं कंपनी के। तो पहला बात ये है कि ये जो निगमित कंपनी भले ही जो है कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन इसका जो फायदा है वो कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए होता है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कुछ व्यक्ति जिन्होंने बनाई है वो अपने लाभ के लिए उसका फायदा लेते हैं, बाकी लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। दूसरा ये है कि निगमित कंपनी का अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, कानूनी फॉर्मेलिटीज बहुत सारी पूरी करनी पड़ती हैं। दूसरा तीसरा ये है कि जो अंशधारी हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनका वास्तविक प्रबंध में कोई सरोकार नहीं रहता, जबकि पार्टनरशिप फर्म में वो वास्तविक प्रबंध में भी सरोकार रखते हैं, इसमें नहीं रहता। अब चौथा ये है कि जो खर्चा जो है इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कंपनी जो है इसमें जो शुल्क देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है, पूंजी वृद्धि पर ड्यूटी देनी पड़ती है, ये एक अतिरिक्त खर्चा होता है जो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है। जो इसमें पूंजी को सरलता से निकाला नहीं जा सकता, जो अंश पूंजी है जो है लोग कंपनी की यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसे शेयर कैपिटल को कम नहीं किया जा सकता है, कंपनी भी कम नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से वो पूंजी को जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म जब मर्जी जब बंद कर दो और उसकी पूंजी निकाल दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, इसमें इसे पूंजी निकालना आसान नहीं होता है, इसकी जो है तरलता नहीं होती है। तो ये बातें हुई डिसएडवेंटेज और एडवेंटेज। सवाल यह है कि कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन कैसे की जाती है कंपनी।
सबसे पहले जो है कंपनी का प्रवर्तन होता है, प्रमोशन ऑफ द कंपनी। तो किसी भी व्यक्ति जो है इसमें इसमें तीन तरह के काम होंगे कंपनी बनाने के लिए। पहले कंपनी का प्रमोशन होगा, कंपनी का परिवर्तन जिसे हम कहते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनी। दूसरा निगमन या रजिस्ट्रेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और तीसरा व्यापार प्रारंभ होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहले परिवर्तन होगा, प्रमोशन होगा, तो उसमें वो देखेगा जो जिसे प्रमोशन करना है कि सब जो अनुमान लगाएगा कि लाभ का अनुमान लगाकर उसके साधनों को जुटाने के लिए कितने साधन चाहिए, कितने लाभ चाहिए, व्यापारिक संस्थान से कितनी पूंजी चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए, इस सबका जो है वो जो लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें व्यापार संबंधी सुअवसर की खोज एवं व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के लिए जिसमें पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध कार्य के संगठन की प्रक्रिया हो परिवर्तन कहा जाता है। तो ये परिवर्तन है। और सेक्शन 269 में परिवर्तक की परिभाषा दी गई, प्रमोटर। ये भी कंपनी को बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण या पहला व्यक्ति होगा प्रमोटर। तो प्रमोटर जो है वो कौन होगा, इसमें जो है जो व्यक्ति किसी कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने की प्रारंभिक योजना बनाता है उसे तथा उस कंपनी को वैधानिक अस्तित्व दिलाता है, वो व्यक्ति उस कंपनी का प्रमोटर कहलाता है। यानी उसे जो बनाने वाला जो है, मेनली एक मोटी सी बात में ये कहें कि बनाने वाला जो है वो प्रमोटर होता है। 269 में जो परिभाषा दी गई है कि जिसका नाम कंपनी विवरण पत्रिका में प्रवर्तक के रूप में दिखाया गया हो, वार्षिक विवरणी का यानी एनुअल रिटर्न में चिन्हित किया गया हो, जिसका कंपनी के कारोबार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष नियंत्रण है, भले ही वो अंशधारी या निदेशक के रूप में ना भी हो। मतलब इसका मतलब यह है कि कंपनी का प्रवर्तक जो है प्रमोटर वो व्यक्ति भी हो सकता है जो अंशधारी या निदेशक ना हो, यानी इससे मतलब ना हो, जिसके परामर्श निर्देश या अनुदेशन इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने कार्यों को संचालित करते हैं। तो ये कंपनी का प्रवर्तक होता है। अब कंपनी के प्रवर्तक के बाद जो है इसके फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक ऐसा दस्तावेज है, इसमें जो कंपनी व्यवस्था से में जो दस्तावेज हैं वो तीन तरह के मेनली होते हैं। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम सीमा नियम हिंदी में कहते हैं, दूसरा अंतरनियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और तथा विवरण पत्रिका प्रॉस्पेक्टस। जो सारी कंपनियों में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो होंगे ही होंगे, लेकिन जहां पब्लिक लिमिटेड कंपनी जहां पे डिबेंचर ऋण पत्र वगैरह आमंत्रित करने हैं, अंश आमंत्रित करने हैं, तो विवरण पत्रिका सिर्फ लिमिटेड कंपनी में होगी। ये इसे जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होना ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट कंपनी में नहीं। अब बात हम सीमा नियम की करते हैं, यानी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीज़ें होंगी इसे हम शॉर्ट में देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 4 में जो है ये लिखा गया है कि कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये चीज़ें होंगी, 6 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ ये है कि कंपनी का नाम, कंपनी के नाम का खंड होगा, कंपनी की नाम, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय, दूसरी रजिस्टर्ड कार्यालय और स्थान होगा। तीसरा उद्देश्य खंड यानी उद्देश्य कंपनी के क्या हैं वो होंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब चौथा सीमित दायित्व संबंधी खंड यानी लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, और पांचवा पूंजी खंड कैपिटल क्लॉज, और अनुहस्ताक्षर खंड एसोसिएशन क्लॉज जो है ये जो है क्लॉज इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगे। अब बात करते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, दूसरा जो मैंने बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसे कंपनी के अंतर्नियम कहते हैं। तो इसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऐसे समझ सकते हैं कि नियमावली है कंपनी की, कि कंपनी में कैसे कैसे नियम होंगे, क्या क्या चलाई जाएगी, वो नियमावली है। और इसका प्रारूप धारा 7 का में दिया गया है, 7(1). इसमें क्या कहा गया है कि इसमें
तालिका का के पूर्ण तथा अंशता अपवर्जन का उल्लेख कि एक्सक्लूजन टेबल ए जो है उसका बताया जाएगा कि टेबल ए जो है उसमें क्या क्या एक्सक्लूजन है। दूसरा, प्राथमिक संविदाओं की अभिस्वीकृति यानी अप्रूवल ऑफ प्रिलिमिनरी कंटैक्ट, प्रिलिमिनरी कंटैक्ट कैसे होंगे उसका बताया जाएगा। तीसरा, पूंजी की बताया जाएगा, पूंजी का विभाजन, इसे बढ़ाने घटाने परिवर्तन के नियम बताए जाएंगे, इसमें नियम होते हैं सारे। चौथा, अंश या शेयर्स, अंश और शेयर्स के संबंधित जो नियम हैं वो इसमें आएंगे। पांचवा, ऋण शक्ति, बोरोइंग पावर, कंपनी या निदेशक को जो है ऋण लेने की या लोन लेने की कितनी शक्ति है बोरो करने की वो बताई जाएगी। छठा में मतदान के अधिकार एवं प्रॉक्सी बताई जाएगी कि मतदान के अधिकार क्या होंगे और प्रॉक्सी कोई होगी या नहीं होगी और होगी तो कैसे होगी। सातवां, बैठ के नियम लिए बताए जाएंगे कि सूचना, कार्य विधि, मतगणना, कार्य विवरण आदि की क्या प्रक्रिया होगी। आठवां, निदेशक के बारे में बताया जाएगा कि इनकी नियुक्ति, संख्या, अहर्ताएँ, अधिकार, दायित्व, अवकाश, ग्रहण, निर्योग्यताएँ कहते हैं जो नहीं हो सकते, उनकी अहर्ताएँ ना होना, मतलब उनकी चुने जाने के लिए कमी होना, तथा परिश्रमी का विवरण होगा यानी उन्हें क्या दिया जाएगा। और नवा, प्रबंधक वर्ग होगा कि मैनेजरियल पर्सनल कौन से होंगे, प्रबंध निदेशक, प्रबंध सचिव आदि की नियुक्ति, नियुक्ति की शर्तें, उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक, निष्कासन आदि संबंधी नियम होंगे। और दसवां जो है, लेखा पुस्तकें एवं अंकेक्षण होंगे, अकाउंट्स बुक्स और ऑडिट की बात होगी कि अब खाता पद्धति, लेखा परीक्षण कैसे होगा, मतलब ऑडिटिंग कैसे होगी, सामान्यतः संविधि पुस्तकों को तैयार करने के दायित्व कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ग्यारहवां, लाभांश के अंश पर प्रमाण, डिविडेंड जिसे कहते हैं, प्रमाण पत्र, शेयर वारंट, बोनस, अंश पत्र आदि संबंधी नियम होंगे। और बारहवां, परिसमापन होगा यानी वाइंडिंग अप भी होगा, कंपनी के परिसमापन की विधि तथा इसके नियम, प्रक्रिया, परिसमापक की शक्तियाँ, के परिसमापक कहते हैं लिक्विडेटर को। और तेरह होगा, कंपनी के आस्तियों से उसके अधिकारों की क्षतिपूर्ति यानी एसेट से उसके अधिकारी जो है कैसे क्षतिपूर्ति ले सकेंगे यानी कंपनसेशन ले सकेंगे उसकी बात हो। बात करते हैं प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जो पूंजी जुटाने के लिए अपने कंपनी अपने सदस्यों से एक तो पूंजी जुटा लेती है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो है अंश या ऋण पत्र, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अंश या ऋण पत्र जो है शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए आमंत्रित, पब्लिक को आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है ज़्यादा पूंजी के लिए, तो उसे एक प्रॉस्पेक्टस विवरण पत्रिका को जारी करना पड़ता है ताकि जो है उससे पूंजी जो है वो जुटाई जा सके। तो धारा 270 में, मतलब 2 की सबधारा 70 (2, सबसेक्शन 70) कंपनी अधिनियम 2013 की, इसका प्रावधान, इसकी परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया, कोई भी दस्तावेज जो विवरण पत्रिका के नाम से जारी किया जाता है तथा कोई भी सूचना, परिपत्र, सर्कुलर, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज जो एक निगमित संस्था के लिए जमा यानी डिपॉजिट्स आमंत्रित करते हैं, अथवा अंश या ऋण पत्र यानी शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए जनता का प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं, विवरण पत्रिका कहलाते हैं। इसमें दो तरह की विवरण पत्रिका होती है, एक रीहेयरिंग प्रॉस्पेक्टस और एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। इसको जो है धारा 32 और 31 में स्पष्ट किया गया है। रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है वो ये है कि उसमें संक्षेप में जो है विस्तृत जानकारी नहीं दी गई होती, केवल संक्षिप्त जानकारी दी गई होती है। और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में जो है पूरी जानकारी उसमें दी गई होती है। इसमें इसके अलावा कोई अन्य विवरण पत्रिका जो है जारी करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती, किसी ये पूरी कंप्लीट विवरण पत्रिका होती है। अब बात करते हैं शेयर्स की। जो कंपनी की पूंजी होती है वो शेयर में बटी हुई होती है, तो कंपनी की पूंजी का स्वरूप जो है, पूंजी जो है कंपनी की जो है वो कैसे होती है, एक तो अधिकृत पूंजी होती है यानी अधिकृत पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जो कंपनी अपने जनता को निर्वृत्त करने के लिए अधिकृत की गई है कि सब इतनी पूंजी जो है उसकी अधिकृत पूंजी होगी इसमें सीमा नियम में यानी जो है आर्टिकल वो जो है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में। दूसरी होती है निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल।
तो इश्यूड कैपिटल विवरण पत्रिका के परिचालन द्वारा अपनी अधिकृत पूंजी की संपूर्ण व कुछ राशि खरीदने के लिए जनता को जो आमंत्रित करती है उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। और अभिदत्त पूंजी यह हो जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी निर्गमित पूंजी का वो भाग जो जनता द्वारा वास्तव में क्रय कर लिया जाता है, तो वो अभिदत्त सब्सक्राइब्ड पूंजी हुई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुई अभिदत्त पूंजी। और चौथी होती है आवंटित पूंजी, अलॉटेड कैपिटल। ये याचित पूंजी का वो भाग होता है जो कंपनी द्वारा जनता में आवंटन कर दिया गया हो। आवंटन के बाद शेष बची हुई राशि को अनावंटित पूंजी कहते हैं। कंपनी द्वारा जनता को आवंटित अलॉट कर दिया गया। याचित पूंजी कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल जिसे कहते हैं। कंपनी के अंश क्रय करते समय अंशधारियों को उन अंशों पर दे समस्त राशि का उसी समय भुगतान करना आवश्यक नहीं होता। साधारणतः कंपनी अपनी याचित भूमि के अंशों पर संपूर्ण राशि एक ही समय में न मांगते हुए अंशधारियों से किश्तों में मांगती है। तो जो याचित पूंजी का भाग जो है मांग की राशि कहलाती है, अर्थात कंपनी द्वारा अपनी याचित पूंजी पर मांगी गई राशि को याचित पूंजी कहते हैं या मांग की राशि कहते हैं, जो मांगी हुई की राशि है। अयाचित पूंजी ये आवंटित तो है, आवंटित पूंजी का भाग है लेकिन जिसकी मांग नहीं की गई है वो है इसमें, मतलब याचित जिसकी मांग कर ली गई है और अयाचित जिसकी मांग नहीं की गई है यानी अनकार्ड। सातवां होती है चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। ये इसका मतलब जो इसका भुगतान कर दिया गया है, ये तीनों एक ही पार्ट हुए, मतलब एक तो टोटल मिला के टोटल हुई अलॉटेड, जो कार्ड अप जो मांग ली गई वो कार्ड अप हुई, और जो है जो अनकार्ड अप हुई अयाचित हुई यानी जो मनी मांगी गई, और चुकता पूंजी जिसका भुगतान कर दिया गया। आरक्षित पूंजी एक रिजर्व कैपिटल होती है। यदि कोई सीमित कंपनी भविष्य में अपनी अयाचित पूंजी की मांग करना आवश्यक नहीं समझती है तो उसे इस संबंध में साधारण बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति लेनी होगी। प्रस्ताव पारित हो जाने पर उस कंपनी द्वारा अयाचित पूंजी की मांग केवल परिसमापन के समय की जा सकेगी, इसे रिजर्व कहते हैं। रिजर्व कैपिटल स्थिर या परिचालित पूंजी, फिक्स्ड या सर्कुलेटिंग कैपिटल। कंपनी की स्थिर पूंजी फिक्स्ड कैपिटल उसकी चुकता पूंजी का वो भाग है जो स्थायी आस्तियों को अर्जित करने के ऊपर विनिवेश किया जाता है, यानी फिक्स्ड एसेट में जो लगाई जाती है उसे स्थिर और परिचालित पूंजी कहते हैं, स्थिर पूंजी कहते हैं। और जो परिचालित है वो जो चालू आस्तियों में रखा जाता है वो परिचालित पूंजी कहते हैं, जिसमें स्टॉक हो गया, नकद राशि होगी वो परिचालित। एक चालू पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, कंपनी के समस्त चालू दायित्वों के लेखे जोखे के पश्चात उसके पास अतिशेष यानी एक्सेस जो बचती है, धनराशि बचती है, उसे हम चालू पूंजी कहते हैं। अब बात होती है डिबेंचर की। डिबेंचर क्या है? ऋण पत्र। अब इसकी परिभाषा भी सेक्शन 2 की सब सेक्शन 30 में दी गई है। उसमें कहा गया कि जो है ऋण पत्र में, ऋण पत्र स्कंद पत्र बॉन्ड्स यानी स्कंद बॉन्ड बंध पत्र और कंपनी की अन्य अनेक प्रतिभूतियां भी समाविष्ट हैं, जैसे चाहे उनका किसी कंपनी की आस्तियों पर प्रभार स्थापित होता हो या ना होता हो। यानी ऋण पत्र में के अंतर्गत जो है सेक्शन 230 में कहा गया कि ऋण पत्र में खाली ऋण पत्र नहीं है, जो है स्टॉक भी है, बॉन्ड भी हैं, और जिसे और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियाँ भी हैं शामिल हैं, जिस चाहे उसके जो है उसकी आस्तियों पर प्रभाव होता हो या ना होता हो। आस्तियों पर प्रभाव का मतलब यह है, एसेट्स पर प्रभार का मतलब ये होता है कि उसमें ऋण पत्र में कितनी उसमें जो है वो दायित्व स्वीकार किया गया है, लाइबिलिटी कितनी स्वीकार की गई है, उसे ये माना गया है या नहीं माना गया है, वो कंपनी के जो है आर्टिकल और मेमोरेंडम से तय हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से तय हो। जो ऋण पत्र होते हैं उसमें चार बातों का उल्लेख होता है कंपनी के ऋण पत्र में, यानी डिवेंचर में कंटेंट्स क्या होंगे। उसमें ऋण धारक से जो ऋण राशि ली गई है वो उसे निर्धारित तिथि को लौटाने के लिए वचनबद्ध है। एक तो पहली बात ये कि जो ऋण लिया गया है उसे लौटाने को वचनबद्ध है, पहला। दूसरा, कंपनी ऋण धारक को उसके लिए ऋण पर निश्चित ब्याज का भुगतान करेगी जो निर्धारित तिथि को दे होगा, ठीक है। और तीसरा ये कि उक्त ऋण कंपनी की आस्तियों पर प्रभार होगा या नहीं होगा, ये उल्लेख उक्त ऋण पत्र में उसमें पुष्टांक के शर्तों पर जारी किया जा रहा है कि जिन शर्तों पर जारी किया जाए वो। तो ये चार चीज़ें जो हैं इसमें ऋण पत्र में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं जनरल मीटिंग की।
जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है वार्षिक साधारण सभा, जिसे धारा 96 में एनुअल जनरल मीटिंग को धारा 96 में उल्लेख है, इसमें प्रत्येक कंपनी को चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की एक सभा बुलानी पड़ती है, जिसे हम वार्षिक साधारण सभा कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ये सभा सदस्यों की उन सभी सभाओं से भिन्न होती है जो कंपनी समय समय पर कारोबार के लिए बुलाती है। एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक कंपनी द्वारा ये सभा निगमन की तिथि से 15 मास की अवधि में अवश्य आयोजित की जाएगी। मतलब वन मैन की तो क्या होगी, वन मैन कंपनी है तो वन मैन है वो, ठीक है। बाकी जो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे आप लिमिटेड कंपनी हो, उसके लिए 15 माह के अंदर जो है उसे अपने बना इनकॉर्पोरेशन के बनने से 15 माह के अंदर एक जो है जनरल मीटिंग जरूर करी जाएगी, और पहली वार्षिक साधारण सभा को इस पर का आयोजित कर लेने के बाद कंपनी को उस वर्ष वार्षिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं होता है कि वही होगी। तो उसके बाद जो है हर वर्ष उसे जो है कंपनी को उसके निगमन के पश्चात उसके प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह की अवधि में अपनी प्रथम वार्षिक सभा आयोजित करनी अनिवार्य है। 96(1) में ये कहा गया, टोटल तो 15 वर्ष के बाद और उसके प्रथम वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 9 माह के अंदर, मतलब जो भी कम हो वह तब करनी पड़ेगी। एक तो टोटल 15 वर्ष बनने से 15 वर्ष, और दूसरा उसके प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह बाद, यानी जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 9 माह के अंदर। मान लीजिए कोई कंपनी जनवरी में बनी तो उसका फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो गया, तो 3 माह तो वो हो गए और 9 माह, इससे यानी उसे 12 महीने का टाइम मिलेगा। अगर कोई कंपनी मान लीजिए अप्रैल में बनी तो उसका वित्तीय वर्ष मार्च में ख़त्म हुआ, तो उसे जो है 15 माह में करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो 9 माह होंगे उसका 9 माह तो जाके उसमें होंगे दिसंबर में पूरे, जबकि उससे पहले ही जो है उसके 15 माह पूरे हो जाएंगे। तो 15 माह जब पूरे हो जाएंगे यानी जून में, जून तक उसे वो मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इन दोनों कंडीशन का मतलब ये निकलता है, या तो बनने के 15 माह जो भी पहले हो, या फाइनेंशियल ईयर पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 माह के अंदर। 96(2) में ये लिखा है, 96 की सबसेक्शन है, कंपनी को प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा राष्ट्रीय अवकाश के दिन को छोड़कर कार्यालय दिन के समय 9 बजे से 6 बजे के बीच ही जो है आयोजित करनी चाहिए। ये भी लिखा है कि 6 जिसे एनुअल जनरल मीटिंग को AGM कहते हैं, उसी स्थान पर आयोजित किए जानी चाहिए कि जहां पर रजिस्टर्ड कार्यालय है। साथ ही 2017 में एक संशोधन किया गया, उसमें एक आगे जो ये सूचीबद्ध कंपनी है, जो असूचीबद्ध कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, उसे ये छूट दे दी कि वो अपने सदस्यों की लिखित अनुमति से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी AGM कर सकती है, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी को नहीं दी गई। अगर कोई कंपनी जनरल मीटिंग नहीं करती है तो कंपनी ट्रिब्यूनल जो है उसे धारा 97 की शक्तियां प्रयोग करते हुए उसे आदेशित कर सकता है कि साहब वो जो है जनरल मीटिंग अपनी करे। जो साधारण सभा में क्या काम किए जाते हैं, मेनली क्या होता है, तो सबसे पहली खास बात यह है कि कंपनी अपने ऑडिटेड जो अकाउंट हैं, बैलेंस शीट है, हानि लाभ खाते हैं जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबको मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ विचार करता है, यानी ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ उस पर विचार किया जाएगा। निदेशकों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करता है, जो डायरेक्टर है अपने काम की रिपोर्ट देंगे। सेवानिवृत्त रिटायर्ड होने वाले निदेशकों के स्थान पर नए निदेशकों की नियुक्ति की जाती है इसी मीटिंग में, और लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक निर्धारित करना, यानी ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, और लाभांश की घोषणा करना, जो डिविडेंड की उसकी घोषणा करना। तो ये जो ये काम जो है ये इसके मेन काम होते हैं, महत्वपूर्ण काम होते हैं। अब बात आती है कि कंपनियों के निदेशक, जो मैनेजमेंट कंपनी करती है, कंपनी के अल्टीमेट मालिक शेयर होल्डर है, ठीक है, लेकिन इसे चलाने का काम डायरेक्टर्स करते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के डायरेक्टर होते हैं। जो न्यूनतम
संख्या है कंपनी के डायरेक्टर की, वो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो निदेशक होने चाहिए। एकल कंपनी इसका अपवाद है क्योंकि एक सदस्य की कंपनी है तो उसमें तो एकल ही निदेशक होगा, एक ही निदेशक होगा, ठीक है। और बाकी जो बाकी कंपनियों में तीन निदेशक होने चाहिए, तो ये निदेशकों की ज़रूरत है, वह कि निदेशक इतने इतने जो है निदेशक होने चाहिए। लेकिन इसका भी अपवाद है कि अगर कंपनी जो है बिजनेस के लिए लाभ अर्जित नहीं करने वाली कंपनी है तो सेक्शन 149 में ये कहा गया कि जो है उसे बीच छूट दी जा सकती है, तीन की जगह दो निदेशक उसमें हो सकते हैं। अब निदेशक कौन कौन से होते हैं, इसमें एक स्थानीय निदेशक कहलाते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर। तो ये स्थानीय निदेशक के लिए अर्हता ये है कि वित्तीय वर्ष में कुल मिला के 182 दिन वो भारत में रहा हो तो वो जो है रेजिडेंट डायरेक्टर होगा। स्वाधीन निदेशक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें ये 2017 में के द्वारा स्वाधीन निदेशकों से जो है वो किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया उसमें धनीय संबंधों में उसके द्वारा अर्जित परिश्रमिक और उसके द्वारा दिए गए धनीय संवरों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो उसकी आय के 10% से कम हो। ये स्वाधीन निवेशक हो गए जिसमें जो है उसकी आय जो धनीय संबंध है, पिक्यूनिटी रिलेशनशिप है, उसमें अर्जित परिश्रमिक को जो है शामिल नहीं किया जाता है, ये अमेंडमेंट कर दिए गए इसमें। स्वाधीन निदेशकों की नियुक्ति और डेटा बैंक रखा जाएगा, सेक्शन 150 में प्रोविजन किया गया। और जो निदेशक एक पहचान पत्र की भी प्रावधान है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो है निदेशक पद पर नियुक्ति का इच्छुक है तो उसे डिन लेना पड़ेगा, जो केंद्रीय सरकार जो है डिन आवंटित करती है। अब स्थिति यह है कि निदेशक की प्रकृति क्या है। एक तो निदेशक अभिकर्ता के रूप में है, वो कंपनी का एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा, निदेशक न्यायधारी के रूप में डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी है, वो कि वो उसका दायित्व तो अभिकर्ता के समान होता है, उसी प्रकार कंपनी की संपत्ति के लिए वो न्यासी के समान होता है। ट्रस्टी मतलब कंपनी की संपत्ति का ट्रस्टी है, एक तरीके से ट्रस्टी है, मतलब संपत्ति तो असलियत में शेयर होल्डर की है, कंपनी जिसकी है वो ट्रस्टी की तरह काम करता है। और तीसरा, निदेशक कंपनी के आवश्यक अंग के रूप में काम करता है क्योंकि वो कंपनी का आवश्यक अंग है, उसी को संचालन करना होता है, उसको जो है वो करता है। अब निदेशकों की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है कि प्रथम निदेशकों की नियुक्ति जो है प्रवर्तकों द्वारा किया कर दी जाती है कि प्रमोटर जो है नियुक्ति कर देंगे। उसके बाद जो कंपनी की है वो साधारण सभा में जो है उसकी नियुक्ति की जाती है। अब बाकी जो है कंपनी की मीटिंग्स की बात है, एक तो जनरल मीटिंग की हमने बात कर ली, कंपनी की बाकी जो मीटिंग होती हैं, अब कंपनी की बैठक का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा लोगों की बैठक, लेकिन ये बहुत सारे मामलों में कंपनी के मामलों में वन मैन बैठक भी होती है, एकमात्र व्यक्ति की बैठक, उसे भी बैठक है कि एक में उसने फॉर्मेलिटी कर ली, वो समझिए बैठक हो गई। उसमें कंपनी अधिकरण द्वारा बुलाई गई साधारण बैठक हो सकती है, जो कंपनी अधिकरण साधारण बैठक बुलाता है तो उसमें वार्षिक साधारण सभा या बुलाने के लिए आदेश देता, तो उस वो वैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो वो इस प्रकार की बैठकों में यदि कंपनी का एक भी सदस्य स्वयं या प्राक्सी द्वारा उपस्थित होता है तो बैठक कर ली जाएगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सब दो होंगे तो कोरम होगा, इसलिए वो एक हो गया आ गया, अधिकरण ने बुलाई, ट्रिब्यूनल ने बुलाई और वो हो गया। एक ही वर्ग के अंश धारण करने वाले अंशधारियों की मीटिंग, एक ही वर्ग के अंश धारक करने वाले, एक ही वर्ग के पता चला एक ही है तो एक ही की हो सकती है। एकल व्यक्ति कंपनी में है ही वो एक, तो एक की हो ही जाएगी। जो कंपनी की बैठक हैं, बाकी जो बैठक हैं, तो उसमें अलग अलग तरह की बैठक होती है। एक वार्षिक साधारण सभा जो हमने 96 में पढ़ लिया, एक असामान्य साधारण सभा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
जो धारा 100 में प्रोविजन है, और एक वर्ग सभाएं होती हैं जो क्लास मीटिंग्स होती हैं। ये तो अंशधारियों की मीटिंग हो गई। दूसरे निदेशकों की मीटिंग तो निदेशक मंडल की बैठक हो सकती है, निदेशकों की समिति या उप समितियों की बैठकें हो सकती हैं। तीसरी लेनदारों की बैठक हो सकती है। चौथा ऋण पत्र धारकों की यानी मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग जो है हो सकती है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। कंपनी अधिनियम 2013 में कि सेक्शन 135 में एक प्रोविज़न किया गया कि बड़ी कंपनियां जो हैं उन पे निगमीय सामाजिक दायित्व भी होगा, ताकि देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं विकास में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इस आधार पे कि सब आप प्रॉफिट कमाएंगे तो समाज सेवा में भी कुछ पैसे आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। इसमें क्या किया गया कि सेक्शन 135 में जो लायबिलिटी है वो सब कंपनियों पे नहीं है। ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए की हो, पहली बात यह है कि कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए की या अधिक की हो, या सकल उत्पाद यानी टर्नओवर जो है उसका 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या वित्तीय लाभ में कुल लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक का हो, तो इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करने से अपने निदेशक मंडल की जो है 3 या अधिक निदेशकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति जो है उसे बनानी पड़ेगी, CSR समिति जिसे कहते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति हुई है, तो उसे बनाएगी 3। इन निदेशकों में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए, जिसे हम स्वतंत्र निदेशक की बात करते हैं, जो कंपनी का नहीं होगा वो स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। अब समिति क्या करेगी, एक तो पहली बात ये इसमें से जो है 2% वो खर्च करेगी उन मामलों में जो अनुसूचित 7th में दिए गए हैं, शेड्यूल 7th में दर्शाई गई है कि सर इन मामलों में खर्च करेगी। समिति इन गतिविधियों में लगने वाला संभावित खर्च भी है तथा इस हेतु धनराशि आवंटित करने हेतु निदेशक मंडल के पास प्रस्ताव भेजकर अनुशंसा करेगी, और इन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का किस प्रकार संचालन हो रहा है इसका पर्यवेक्षण करना भी, सुपरविजन करना भी जो है CSR कमेटी का काम होगा। अगर CSR गतिविधियों का पैसा नहीं खर्च किया जाता है तो भी इसकी रिपोर्ट 134(3) में वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। तो इसमें क्या करना है, और इन कार्यों को जो किया जाएगा वो अपनी वेबसाइट पे भी करना पड़ेगा, 2% उस पर खर्च करना पड़ेगा। स्थानीय क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, लोकल एरिया को जहाँ पर कंपनी स्थित है उसको है, और इसका विवरण रजिस्ट्रार को भी प्रेषित करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी अधिनियम 2017 में संशोधन करके, संशोधन अधिनियम 2017 से ये प्रावधान कर दिया गया कि कंपनियों को छूट दे दी गई, कुछ के अनुसार कंपनियों को ये छूट दे दी गई कि कंपनी किसी गतिविधि में संचालित करने हेतु अपने विवेकानुसार कोई भी स्थान का चुनाव कर सकती हैं। कि पहले तो ये था स्थानीय चुनाव करेंगे, लेकिन अब स्थानीय का वरीयता देना है, लेकिन चुनाव कोई भी अन्य कर सकती हैं अपने जो है मर्जी के क्षेत्र में, लेकिन अनुसूची में जो दिया गया है उसके अनुसार ही जो है उसे खर्च करना पड़ेगा। अब बहुमत के सिद्धांत और अल्पमत अंशधारियों के अधिकार की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेजोरिटी रूल और राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर। ये सब जानते हैं कि कंपनी में या किसी भी उसमें जहां पर बहुमत से निर्णय होता है तो बहुमत का ही वर्चस्व रहता है, जिसके पास बहुमत है यानी शेयर का बहुमत है वहाँ पर वो जो है बहुमत का से जो है वो लागू होगा और बहुमत का अधिकार होगा। लेकिन कंपनी अधिनियम में इस नियम की भी वो की गई है कि जो है कि बहुमत के जो नियम है उसका कुछ अपवाद किए गए हैं, कि यानी जो है अल्पमत जो है उसको भी अधिकार दिए गए हैं, यानी अल्पमत के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। पहली बात ये कि अधिकारातीत कार्य अल्ट्रा वायरस एक्ट, बहुमत के आधार पर
अल्ट्रावायरस कोई काम नहीं किया जाएगा जो वह कार्य किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अल्पमत सदस्यों के प्रति कपट, अल्पमत सदस्यों के प्रति कपट नहीं किया जाएगा। ये मजका यह है कि ऐसे सदस्य या अंशधारी जो कंपनी में बहुमत नहीं रखते हैं, अर्थात कंपनी की कुल अंश पूंजी या मतदान शक्ति के 50% से कम अंश धारण किए हों, तो प्रतिनिधित्व करते समय उनके प्रति कपटपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता कि साहब समान व्यवहार किया जाएगा, उसने कपटपूर्ण धोखा देने वाला व्यवहार कि साहब वो तो कुछ कर नहीं सकते इसलिए जो मर्जी कर लो, वैसा नहीं किया जा सकता है, उस पर जो है ट्रिब्यूनल कार्रवाई कर सकता है। तीसरा, ऐसे कार्य जिनके लिए विशेष बहुमत आवश्यक है, यदि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव नहीं किए जा सकते हैं, तो विशेष बहुमत जब किया लिया जाएगा तो उसमें अल्पमत वाले सदस्यों को भी शामिल ऑटोमेटिक कर लिया जाता है। सदस्यों का वैयक्तिक अधिकार का हनन, किसी सदस्य के वैयक्तिक अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा। दोषी सदस्यों का कंपनी पर नियंत्रण, तो दोषी सदस्य जो है कंपनी पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। एक सांविधानिक सुरक्षा यानी जो है कंपनी के अल्पमत को उचित संरक्षण देने के लिए, कंपनी को कुप्रबंधन से बचाने के लिए 241 और 242 में व्यवस्था की गई है। धारा 241 में उसमें अधिकरण में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें जो गलत काम है और उसमें उसके द्वारा आर्डर किया जा सकता है या अन्वेषण उसके मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और बहुमत को भी अल्पमत के विरुद्ध अधिकरण में वाद लाने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुमत जो है वो वाद नहीं ला सकता, अगर अल्पमत में कोई है और वो वाद लेके आता है तो उसमें वाद लाने का भी अधिकार उसे रहेगा। अब बात होती है कंपनी खत्म करने की। जैसे कंपनी में देखा, कंपनी हमने विशेषताओं में सबसे पहले देखता इसे कहते हैं वाइंडिंग अप, परिसमापन, कि खत्म करना। अब कंपनी की प्रकृति जो है स्थायी प्रकृति होती है, ठीक है, इसलिए कंपनी जो है खुद से ख़त्म नहीं होती, कंपनी स्थायी होती है। अब उसके ख़त्म करने का एक तो सबसे पहले हम ये देख लें ख़त्म करने का परिणाम क्या होगा, फिर हम बात करेंगे कि कंपनी ख़त्म कैसे कैसे हो सकती है। पहली बात तो ये कि दो चरण होंगे इसमें, एक परिसमापन, दूसरा विघटन। कंपनी की परिसमाप्ति यानी वाइंडिंग अप में प्रथम चरण हुआ, इसमें समापन में कंपनी की आस्तियों को हस्तगत करके उसके दायित्वों का भुगतान किया जाता है और इसके बाद यदि कुछ शेष बचा रहता है तो उसे कंपनी को वितरित किया जाता है। विघटन कंपनी की समाप्ति का दूसरा एवं अंतिम चरण है, जब कंपनी का अंत हो जाता है, ठीक है। कंपनी के समापन का परिणाम मात्र हो सकता है जो विघटन परिणाम है, ठीक है। तो इसमें जो परिसमापन में ही होता है, जो उसकी एसेट्स हैं उससे लेके उसके दायित्वों का भुगतान किया जाए, लायबिलिटी का भुगतान किया जाए और जो बचा रहे उन्हें सदस्यों में वितरित कर दिया जाए, ठीक है। परिसमापक की कार्यवाही द्वारा संचालित की जाती है, ये खुद से नहीं किया जा सकता, लिक्विडेटर द्वारा ही इस पर कार्यवाही संचालित की जाएगी। कंपनी का प्रतिनिधित्व परिसमापन की अवधि में कंपनी का परिसीमित जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी लिक्विडेटर का ही होगा, समापक का ही होगा, वो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनका अधिकार उसमें नहीं रह जाएगा, वो खुद से नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म की तरह वो अपना आप नहीं कर सकते। कंपनी के परिसमापन काल में लेनदार अपना दावा साबित करके ऋण की वसूली कर सकते हैं। कंपनी का विघटन हो जाने पर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ये प्रोसेस हुई। अब सेक्शन 270 में मोड ऑफ फाइंडिंग अप दिए हैं कि संपत्ति का जो समापन है वो किस प्रकार से हो सकता है। एक तो ये कि दिवालिया हो जाए, तो दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत अगर दिवालिया घोषित हो जाती है तब कंपनी का समापन। दूसरा, अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन यानी जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा, वो अधिकरण समाप्ति करेगा और ट्रिब्यूनल जो है वो परिसमापक जो है नियुक्त कर देगा जो लिक्विडेटर है। और एक विशेष प्रस्ताव पारित करने पर 271(1) काम में विशेष प्रस्ताव पारित करने पर भी कंपनी समाप्त हो सकती है। जहां कंपनी ने राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य किया हो तो भी अधिकरण आर्डर कर सकता है 271(1) काम में। कंपनी रजिस्ट्रार के आवेदन पर अधिकरण द्वारा अगर एप्लीकेशन देती है तो जो है जैसे अधिकरण द्वारा किया जाता है, अधिकरण की एक तरह से ग्राउंड्स हैं, आप मान लीजिए कि अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है, यानी कंपनी का जो समापन किया जाएगा वो ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा, ठीक है।
ट्रिब्यूनल कैसे कर सकता है, एक तो विशेष प्रस्ताव जो है 271 का में विशेष प्रस्ताव किया और अधिकरण में आवेदन कर दिया कंपनी के खुद ही डायरेक्टर ने, कैसा इसे समाप्त कर दो, ठीक है, वो अगर उसे लगता है कि कंडीशन है तो समाप्त कर देगा। दूसरा ये कि कंपनी ने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम किया तो 271 बी में जो है वो आर्डर कर देगा कि नहीं साहब इससे जो है मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, देश की प्रभुता को खतरा है, अखंडता को खतरा है, या विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंधों को खतरा है, या लोक शांति या जो है नैतिकता के विरुद्ध कार्य कर रही है, इसलिए सुनवाई का अवसर देकर उसे कंपनी को समाप्त करने का ऑर्डर कर देगा। कंपनी रजिस्ट्रार के आवेदन पर अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन। अब तीसरा है कंपनी रजिस्ट्रार का आवेदन, पहले में तो कंपनी कर रही थी, इसमें कंपनी रजिस्ट्रार कर रहा है, कंपनी रजिस्ट्रार कहता है कि साहब जो है इसमें छल पूर्वक काम कर रही है, कपट पूर्वक कर रही है, गलत तरीके से काम कर रही है, धोखा दे रही है लोगों को, वो जो है 271 सी में वो भी कर सकता है। इसके बाद कंपनियों द्वारा अपना वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करना, अगर वित्तीय विवरण उसे हर साल रजिस्ट्रार को फाइल करना है, अगर उसने फाइल नहीं किया तो भी जो है 5 वर्षों का अगर वार्षिक विवरण रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया, 5 वर्षों का अगर नहीं किया तो ये समाप्त कर किया जा सकता है अधिकरण द्वारा। अधिकरण के विचार से यदि साम्य के आधार पर कंपनी का परिसमापन उचित है कि अगर उसे लगता है कि इसे जो है किया जाना चाहिए 171 में इक्विटी के आधार पर, तो जो भी समापन जो है उसका किया जा सकता है। अब समापन की जब बात हो रही है तो बात होती है लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कहाँ से आएगा, तो प्रत्येक केंद्रीय सरकार प्रत्येक अधिकरण के लिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल को भी जो है समापन करनी है, एक लिक्विडेटर ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त कर देती है। इसी प्रकार जिला न्यायालय के प्रापक रिसीवर को या अन्य किसी व्यक्ति को जिसकी अधिसूचना केंद्रीय सरकार द्वारा गजट में विज्ञापित की जाए उस न्यायालय का सरकारी परिसमापक नियुक्त कर देती है, ठीक है। किसी कंपनी के परिसमापन का आदेश निकलते ही सरकारी परिसमापक उस कंपनी का परिसमापक हो जाता है, ठीक है। यानी सरकारी परिसमापक यानी लिक्विडेटर ऑफिशियल लिक्विडेटर तय करेगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार प्रत्येक ट्रिब्यूनल पे कंपनी ट्रिब्यूनल के लिए एक तय करेगी, निश्चित करेगी। जिला न्यायालयों के लिए भी अब जो है किसी व्यक्ति को एज ए लिक्विडेटर कर सकती है। कंपनी अधिकरण जब ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर होते ही जो है वो कंपनी का मालिक समझिए एक तरीके से ट्रस्टी या जो भी कहें आप लिक्विडेटर हो जाएगा, और वो लिक्विडेटर अपनी अपना जो है वो पूरी कार्यवाही करेगा। अब कंपनी का जो लिक्विडेटर है तो सबसे पहले परिसमापन के आदेश की तारीख तथा अंतिम परिसमापक की नियुक्ति से 21 दिन की अवधि के अंदर संबंधित कंपनी द्वारा अपने कार्यकलाप का विवरण जो है परिसमापक को भेजा जाएगा। वो काम कैसे करता है लिक्विडेटर, ये सबसे पहले जो है 21 दिन के उस ऑर्डर के 21 दिन के अंदर कंपनी जो है अपना सारा विवरण जो है उसको देगी परिसमापक को कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने 272(5) में ये प्रोविज़न है, ये लिया है, ये दिया है, इतने लेनदार हैं, इतने देनदार हैं, इनको देना है, इतने ऋण पत्र हैं हमारे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दे दिए, और इसके अलावा जो परिसमापक आवश्यक समझता है वो भी चीज़ें जो हैं उसे दे दी जाएंगी, डिटेल दे दी जाएगी ताकि वो समापन कर सके उसका। कंपनी परिसमापक जो है 281 में लिखा हुआ है कि 60 दिन उसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ साहब कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा जिसमें ये लिखेगा कि हाँ ये जो है कि ये अंश पूंजी है, ये है, ये गारंटी, उसकी सारी सबकी जाँच करेगा और वो उसको बताएगा कि साहब ये चीज़ें हैं इसमें, ये इसमें लिप्त, ये गड़बड़ है, ये है। तो ये जो कंपनी परिसमापक है प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो करेगा, पेश किसे करेगा, अधिकरण को, जिसने बनाया था उसी को अपने ट्रिब्यूनल को पेश कर देगा कि ये है। अब जो संपत्ति की अभिरक्षा है, अब परिसमापन की क्या है, जो समापक ही करेगा, परिसमापक करेगा 283 में। उसके बाद कंपनी परिसमापक की शक्तियाँ जो हैं वो 290 में हैं कि उसमें जिनमें अधिकरण के 3 तरह के अधिकार हैं, ऐसे अधिकार जिनके लिए परिसमापक को अधिकरण की स्वीकृति लेनी आवश्यक है,
और दूसरा अधिकरण की स्वीकृति नहीं लेनी है आवश्यक है। एक दुर्भर संविधानों में परिसमापक को अधिकरण की अनुज्ञा लेना आवश्यक है, जैसे ऑनरस कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें लेना ज़रूरी है। तो ये प्रोविज़न जो है लिक्विडेट।